किसान भाइयों नमस्कार, मालवा फार्म में आपका स्वागत है। ये वीडियो हम बना रहे हैं मंडी डबवाली पे, सावर डेयरी फार्म पे। 8 गाय इनके पास अवेलेबल है सेल के लिए। क्या रेट की गाय है, कितने दूध की गाय है, उसके बारे में आपको बताएंगे, सब कुछ डिटेल बताएंगे। अकेली अकेली गायें आपको चलाकर दिखाएंगे। सबसे पहले जो फार्म के मालिक है उनसे बात करेंगे और वीडियो के लास्ट में गायें आपको चलाकर दिखाएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जो किसान भाई पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास लगी घंटी के बटन को दबा देना, क्योंकि हम आपके लिए अलग अलग जो पशु सेल के लिए अवेलेबल होते हैं जहाँ पशुओं की मंडियाँ लगती हैं उनकी वीडियो शेयर करते रहते हैं। तो ये आप गाय की क्वालिटी देख सकते हो, क्वालिटी आपके बिल्कुल सामने है। गाय की क्या डिटेल रहती है वो फार्म के मालिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ऑनलाइन ऑर्डर का भी प्रोसीजर आपको बताएंगे। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब, क्या हाल है जी? बढ़िया सर, आप वीडियो कम ही डलवाते हैं ना? नहीं, टाइम ही लगता है वीडियो डलवाने का। अच्छा, काम में बिजी रहते हो? काम में ज्यादा बिजी रहते हैं। कैसा काम चल रहा है जी? काम अच्छा चल रहा है जी। ऑर्डर कितना मिल रहा है? ऑर्डर बढ़िया मिल रहा है जी। ऑनलाइन भी मिल रहा है, ज्यादातर गुजरात का ऑर्डर मिल रहा है जी। ठीक है, ऑनलाइन कैसे भेज देते हैं, क्या प्रोसीजर रहता है? ऑनलाइन जी ऐसा होता है कि वीडियो डाल देते हैं ग्राहक के पास, टोकन मनी डलवा लेते हैं, जो ग्राहक सिलेक्ट करता है वो गाय उनको भाव तोल करके भेज देते हैं। ठीक है जी, और जिम्मेवारी पूरी रहती है? पूरी जिम्मेदारी है, उनके घर तक पहुँचने की जिम्मेदारी रहती है। पक्का GST बिल काट के देते हैं, अपने पास वो तो काम नहीं है कि किसी के माल के ऊपर जाके वीडियो बना दें। जो आज आपको माल दिखेगा वो कल भी आपको 9 रुपये घर में दिखेगा। अगर पक्का बिल ना मिले, वैसी कोई कच्ची कार्रवाई करके गाय भेज दे, गाड़ी में लोड कर दे ट्रक में, तो रास्ते में क्या प्रॉब्लम आएगी? रास्ते में प्रॉब्लम ये होती है कि क्या पता कहाँ से गाय लेके आए, कोई प्रूफ नहीं ना होता। पक्के बिल पर प्रूफ होता है, आदमी का GST नंबर होता है, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर होता है, सब बातें उसमें लिखी हुई होती हैं। ठीक है जी। जी तो आज जो गायें दिखा रहे हो एवरेज रेट क्या है इनका? एवरेज रेट जी 50,000 से लगा के 75,000 रुपये तक है जी। और दूध जी? दूध 20 लीटर से लगा के 30 लीटर तक। क्या गारंटी लोगे अगर 30 बोल रहे हैं तो 30 निकलेगा? ये बोलने को तो 50 भी बोल सकते हैं जी। जी जितना दूध देगी गाय उतने बोलेंगे सर। अगर ये गाय ज्ञापन है आज आपके पास, अगर किसी गाय की डिलीवरी हुई है तो आपके नौरे पे आए, कोई 2 दिन कोई 3 दिन रहकर चुवाई करें? बिल्कुल जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपना दूध निपवा के कड़वा के दोनों टाइम आप गाय दे सकते हैं। रहने सहने की व्यवस्था है जी? फुल व्यवस्था है जी सर, अपने खुद का तबेला है जी। और खातरदारी कैसी करोगे? खातरदारी तो जी मेहमान आएगा उसके बाद मेहमान बताएगा, ये हम तो क्या बता सकते हैं। मेहमान बताएगा ये कैसी खातरदारी करी है। अपनी पंजाबियों में तो कोई कमी नहीं रहती ना खातरदारी? नहीं, खातरदारी में तो कमी पैसे नहीं छोड़ता जी। ग्राहक तो भगवान का रूप होता है, जैसे भी ग्राहक आता है उसी हिसाब से खातरदारी करी जाती है जी। जी सही है, फर्ज बनता है मेहमान इतने दूर से आता है। काम अलग है लेकिन एक मेहमान नवाजी अलग है, उसका सिस्टम ही अलग है जी मेहमान नवाजी का तो। जी जी सही है, ये अपने को खाली धंधा करने का शौक नहीं है, अपने को मेहमान नवाजी करने का भी शौक है। अच्छे तरीके से करते हो? जी 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 जी। तो गायें चलाएं जी? जरूर जी। जी गायें कौन सी बैंड में? फर्स्ट इलेक्ट्रिशियन है जी। गबन है? गबन है जी। कितने दिन लेगी ये? 7 से 8 दिन लेगी सर। दूध क्या देगी जी? दूध यही 20 लीटर दूध देगी। 20 लीटर जी, बोलने को तो 30 भी बोल सकते हैं जी। अच्छा, लेकिन प्रॉपर 20 लीटर दूध देगी। क्या रेट है जो छोड़ने वाला है? ज्यादा मांग कर कम करने वाला कोई फायदा नहीं, एक ही फिक्स बता दो। फिक्स कितने रेट है इसका? 60 में देनी है जी। 60,000 में? हाँ जी। हाँ या ना? चलाओ जी। तो किसान भाइयों 20 लीटर के आसपास में जो गाय दूध करेगी, 60,000 रेट है, कोई ज्यादा मांग कर कम करने वाला काम नहीं है। 60,000 में गाय छोड़नी है। गाय की क्वालिटी आप देख सकते हो, क्वालिटी आपके बिल्कुल सामने है। जैसा रेट लगाते जाओगे वैसी आपको क्वालिटी मिलेगी, महंगी से महंगी क्वालिटी मिल जाएगी, सस्ती से सस्ती। 20 लीटर से शुरू होकर दूध 25 लीटर 30 लीटर मिल जाएगा आपको। वो डिपेंड करता है आपने कितने रेट वाली गाय खरीदनी है। जितना रेट ज़्यादा होता जाएगा उतना दूध ज़्यादा होता जाएगा, जितना रेट कम होता जाएगा उतना दूध कम होता जाएगा। मंडी डव वाली एक ऐसी मंडी है पूरी इंडिया में सबसे ज़्यादा फेमस है। सबसे ज़्यादा फेमस क्यों है कि किसानों का मानना है कि मंडी डब वाली से सबसे ज़्यादा सस्ते पशु मिलते हैं और हर ब्रीड मिलती है। ये गाय कौन सी पेंड में जी? ये सेकंड में सर। और कितने दिन पेंडिंग है गाय के? इसके 10-11 दिन पेंडिंग है जी। और दूध क्या देगी जी? दूध जी एवरेज 20-22 लीटर देगी। और रेट भाई? रेट जी ये 62,000 रुपये की देनी है, स्नो वाली बात। चलाओ जी। तो किसान भाई सेकंड है, 10 दिन गाय की डिलीवरी में रह रहे हैं, 62,000 रेट में गाय देनी है। कोई ऐसा नहीं है 70 मांग कर 65 कर दें, 65 मांग कर 60 कर दें, 62,000 गाय का रेट है जो फिक्स है। तो क्वालिटी गाय की देख सकते हो आप, क्वालिटी आपके बिल्कुल सामने है। सभी ज्ञापन गाय है। ज्ञापन गाय क्यों होती है मंडी पे वो हमने पहले काफ़ी वीडियो में बताया है। ज्ञापन गाय का कारण ये है,
अगर कोई गुजरात से कस्टमर आएगा, महाराष्ट्र से कस्टमर आएगा, वो ज़्यादातर ज्ञापन गायें खरीदेगा, क्योंकि रास्ते में गायें ने 1000 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर गाड़ी में सफ़र करना होता है, जिसकी वजह से गायें कच्ची हो तो ज़्यादा बढ़िया रहती है, सफ़र करना आसान हो जाता है। ये गायें कौन से ब्यांत में जी? ये थर्ड में जी। थर्ड में जी। और दूसरे ब्यांत का दूध क्या रहा है जी? दूसरे ब्यांत का दूध रहा जी 28 लीटर दूध दिया। अब 30 कर जाएगी पार? देना तो चाहिए जी, बाकी भगवान के हाथ में है जी। आप कितना? आशा तो 30 लीटर की है जी। 30 कह रहे हो जी जी। और रेट क्या है जी? रेट ये 65,000 की है, सुनो वाली बात है जी। चलाओ जी। तो किसान भाइयों, ना ही तो पहले की है ना ही दूसरे की, सच बोला है, तीसरे ब्यांत की गायें हैं, 28 लीटर दूध दूसरे ब्यांत में दिया है, तीसरे ब्यांत में 30 लीटर दूध करेगी, 65,000 में गायें छोड़नी है। येस और नो, हाँ या ना वाला प्राइस है, ज़्यादा मांग कर कम करने वाला नहीं है। गायें पीठ पुट्ठा चौड़ाई हाइट कद काठी गायें की देख सकते हो, वो बिल्कुल आपके सामने है। आज की बात करें तो रेट काफ़ी रिजनेबल है, मेनली इस गाय का 65,000 में आपको बढ़िया शानदार गाय मिल रही है और दूध 30 लीटर तैयार मिल रहा है। क्वालिटी गाय की काफ़ी शानदार है, काफ़ी बढ़िया क्वालिटी है। ये गाय कौन से ब्यांत में जी? ये सेकंड में है सर। और ये भी गैपन है? ये भी गैपन है जी। कितने दिन ले जाएगी ये? 5 से 4 दिन लेगी सर बहने में। दूध क्या देगी जी? दूध ये 25 से 28 लीटर ये। और रेट जी? रेट ये 72,000 में देनी है। 72,000 में जी जी। तो 25 से 28 लीटर दूध रहेगा जी, दूसरे ब्यांत की गाय है, 72,000 गाय का रेट है, 72,000 सेकंड लैक्टेशन, क्वालिटी आपके बिल्कुल सामने है, जितना रेट लगाओगे उतनी क्वालिटी आपको मिल जाएगी, क्वालिटी को देखकर रेट लगता है। और दूध की बात करें, जितना दूध बोल रहे हैं उतना दूध गारंटी लेते हैं कि उतना दूध निकलेगा। कुछ किसान कह देते हैं कि मंडी पे दूध ज़्यादा बोल देते हैं, लेकिन अगर मंडी पे बेईमानी होती तो ठगी होती तो मंडी आज की बंद हो जाती। जे मंडी का बिल्कुल लास्ट एरिया आ गया, इधर गाड़ी लोड होती है, वो देख सकते हो सामने आप गाड़ी लगी पड़ी है, इधर छोटी गाड़ियां लग रही हैं, जहां पर मंडी ख़त्म हो जाती है, लास्ट दीवार है मंडी की, और इधर आप पूरी मंडी देख सकते हो। जे मंडी के लास्ट वाले शेड आ गए, भैंसों का काम आ गया, और स्टार्टिंग वहां से होती है, वहां गाय का काम है। मंडी पे ईमानदारी होती है, ईमानदारी से काम चलता है, तभी मंडी पे हजारों की तादाद में पशु आते हैं, हजारों की तादाद में कस्टमर आता है। बरसों से ये मंडी चल रही है, लेकिन बात आती है, पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती, सही है ना जी? यस सर। आप मंडी के बारे में क्या कहना चाहोगे? मंडी का बैकग्राउंड, आप कितने टाइम से काम कर रहे हैं मंडी? मैं जी इस धंधे में कम से कम मेरे को 12 से 15 साल हो गए जी। और मंडी कितने सालों से चल रही है जी? मंडी से मेरे पापा पहले यही काम करा करते, वो भी पहले उधर लगती थी मंडी जी अलग। अच्छा। इस मंडी को हो गए 10-12 साल इधर लगते हुए। और टोटल मंडी डब वाली कितने साल से चल रही है? कम से कम जी मैं तो जब से पैसा हूँ तब से देख रहा हूँ जी, मैं 5-7 साल का था उस टाइम, पापा के साथ कभी कभी मंडी आ जाते थे जी। मतलब सदियों से चलते? सदियों से चलते रहे, कम से कम 50-60 साल हो गए इस मंडी को चलते हुए। 50-60 साल जी जी। अगर फिर भी कोई गलत डीलर के पास फंस जाता है, धोखा हो जाता है, तो मंडी का क्या रिस्पॉन्स रहेगा? मंडी उसकी मदद करेगी क्योंकि वो परदेसी है? बिल्कुल जी, मंडी मदद करेगी। क्या मदद करेगी? कमेटी है मंडी की? कमेटी है जी, कमेटी रजिस्ट्रेशन है, खुद मैं कमेटी का मेंबर हूँ जी, 21 मेंबरी हमारी कमेटी रजिस्ट्रेशन है। आप भी मेंबर हैं जी? जी। पहले बताया नहीं जी? बस कभी आपने पूछे नहीं, आज आपने पूछा, आज आपको बता दिया। अच्छा जी जी, ठीक है। फिर आप तो खुद मेंबर हो, आप तो ज़्यादा नॉलेज रखते होंगे, अगर कोई परदेसी के साथ बेईमानी हो जाती है, जब वैसे ही उसका पशु मर जाता है कुदरती तौर पे, जी जी। उसका तो गरीब का नुकसान हो जाता जी है जी। क्या मदद करोगे आप? सर एक बार एक आदमी आए थे बाहर से, अपना गुजरात से आए हुए थे, उनकी यहाँ पे गाय को अटैक आ गया था, वो गाय मर गई थी, हम सभी कमेटी मेंबरों ने 2-2 हज़ार रुपया तो अपनी जेब से दिया था, और जितनी भी उसकी गाय की रकम थी उसको पूरी करके यहीं मंडी से दी। ये तो कुछ ही दिनों की बात है? हाँ, कुछ ही दिनों की बात है। हाँ, 2-3 हफ्ते होंगे। दो तीन हफ्ते हो गए जी। जी हाँ जी, बढ़िया है ना, क्योंकि परदेसी यहाँ पे आ रहा है तो मान करके आ रहा है। भगवान करे जी किसी भाई का पहली बात तो लॉस ना हो। लॉस हो ही ना, अगर लॉस हो भी जाए तो कमेटी हर तरफ से मदद करने के लिए तैयार है जी। बढ़िया काम कर रहे हो जी जी, क्योंकि पैसा एक तरफ, इंसानियत बिल्कुल सर, लेकिन इंसानियत खत्म होती जा रही है। अच्छा लगा कि आपने इंसानियतों को बरकरार रखा हुआ है। पता सर क्या बात है, इंसानियत क्यों खत्म है? जिस भाई के पास एक भी गाय नहीं होती, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, वो भी कहता हमारा डेयरी फार्म है, माल किसी का होता है, वीडियो किसी की बना देते हैं, वो माल जो चैनल होता वीडियो है। बनाते हैं ना जी, उनको केयर करनी चाहिए उन बातों की, गलत बात है जी जी जी। बहुत से लोग ऐसे मेरी गाय पे वीडियो बहुत बार बना के लेके गए, गलत बात है, ऐसा बनानी नहीं चाहिए, आप भी रोक दिया करो ना जी। हम मैं तो खुद नहीं बनाते, टाइम नहीं लगता, धंधे में थोड़ा ज्यादा बिजी रहता हूँ, ये बात है जी। ये गाय कौन से ब्यांत में है जी? ये सेकंड में सर। और कितने दूध की रहेगी ये दूध जी? 30 से 35 लीटर दूध देगी दोनों टाइम का। कितने दिन रह रही है? इसके 12 दिन पड़े हैं जी बाकी।
रेट जी इस गाय का? ये गाय 70,000 रुपए की देनी है, स्नो वाली बात है। 70,000 में चलाओ जी। तो किसान भाइयों 30 से 35 लीटर इसका दूध रहेगा और 70,000 रेट है। क्वालिटी गाय की देख सकते हो, क्वालिटी आपके बिल्कुल सामने है। 70,000 रेट क्यों है? क्योंकि गाय में 70,000 वाली क्वालिटी है। ऐसा ही नहीं कि गाय को देख कर 70,000 मांग लिया। 70,000 मांग रहे हैं तो गाय का रिजल्ट आपको बढ़िया मिलेगा, दूध बढ़िया मिलेगा। कोई ना कोई खास बात है गाय का जो 70,000 रेट है। बाकी गायें तो 50,000 वाली भी आपको चलाकर दिखा दी, गायें 60,000 वाली भी आपको चलाकर दिखा दी। खुद आप कंपैरिजन कर सकते हो, महंगी गाय का क्या फ़र्क है, सस्ती गाय का क्या फ़र्क है। जितने पैसे लगाओगे उतना रिजल्ट पाओगे। जे अगर ज़्यादा पैसे लगाने हैं तो ज़्यादा रिजल्ट मिल जाएगा, कम लगाने तो कम रिजल्ट मिल जाएगा। सभी भाइयों से गुजारिश है जी, किसान भाइयों से मेरी, कि एक बार हमारे पास आप आओ जरूर, हमारी डीलिंग देखो, हम किस हिसाब से डीलिंग करते हैं, कैसा माल दिलवाते हैं, हमारी क्या रेपुटेशन है मंडी में, ये बातें सब आप नोट करो। माल आप कहीं से भी लो, एक बार हेलो हाय हमारे साथ जरूर करके जाओ, आपको हमारी डीलिंग का मालूम पड़ जाएगा, हमारे प्राइस का पता चल जाएगा। और सभी किसान भाइयों का हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।